हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ वायरस, या हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वायरस, कि एक वायरस में आपको कौन कौन से पार्ट्स नॉर्मली दिखाई देते हैं। मतलब तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये पहले लेक्चर में हमने बात कर ली थी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं दिखेगा। स्टिल वायरस एक सेल को कंट्रोल कर सकता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, फिर उसकी पूरी मशीनरी पे कंट्रोल करते हैं, क्या इसके पास कुछ और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं सारे ही वायरस में या कुछ स्पेसिफिक वायरस में। जैसे कोविड की बात करें तो अभी इसमें म्यूटेशन पता चला है कि ब्रिटेन में म्यूटेशन आया है इस वायरस के स्पाइक्स में। तो स्पाइक्स को भी समझेंगे क्या होता है, जो प्रोटीन्स है जो किसी होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में मदद करता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। एक वायरस के अंदर नॉर्मली कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे? एक तो प्रोटीन मिलेगा और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। ये जितने भी वायरस हैं, इन सारे वायरस के अंदर ये दो चीजें तो मैंडेटरी हैं कि मिलना ही मिलना है। अगर ये नहीं मिलता है, केवल डीएनए या आरएनए मिलता है, आरएनए भी की बात करेंगे हम लोग, डीएनए की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आरएनए मिलता है, तो वो कोई और कैटेगरी होगी जिसे हम लोग नाम जानते हैं वायरॉइड्स के नाम से। ठीक है, तो वायरसेस में एक तो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा कैप्सिड या प्रोटीन कोड जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये 100% मिलेगा। ये दो चीजें मिलेंगी जिसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे जहां पे आपको एनवलप भी मिल जाएगा और एंजाइम्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? दो ही न्यूक्लिक एसिड होता है, एक होगा डीएनए और दूसरा आरएनए। तो वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं पाए जाएंगे, टुगेदर दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे साथ ही साथ। तो दिस वन इज द इंफेक्शियस पार्ट ऑफ वायरस। तो वायरस का जो इंफेक्शियस पार्ट है वो उसका न्यूक्लिक एसिड है। किसी भी होस्ट सेल में इंफेक्शन कॉज करना और उस पर कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट है वो कौन है? डीएनए हो सकता है या आरएनए, मतलब उसका न्यूक्लिक एसिड। और यही इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कोड के फॉर्म में, जो उसको रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी है, किसी सेल को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, वो सारे प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है जो प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, तो सारी कहानी जो प्रेजेंट है वो कहां? इसी के अंदर। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, कुछ म्यूटेशन थोड़ा सा भी हो जाए, तो पूरा सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ पूरे वायरस के स्ट्रक्चर पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह का हो सकता है, डीएनए या आरएनए, ऊपर जैसे बात हुई है। ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है डीएस, और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है डीएनए। जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां मिल रहा है? सीएमवी वायरस में, कॉली फ्लावर मोजैक वायरस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस में, बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। और एसएस डीएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको कहां मिलेगा? कोलीफेज वायरस के अंदर। वहीं आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड या सर्टेन कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड वायरस कहां मिला है? टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी में, और एचआईवी है ना, एचआईवी एड्स वायरस। डबल स्टैंडर्ड रियो वायरस, उसी तरह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको मिल रहा है ट्यूमर वायरस में, जो ट्यूमर कॉज करते हैं। अब इस न्यूक्लिक एसिड का जो शेप होगा वो भी वेरी कर सकता है, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे लीनियर शेप आपको मिलेगा सीएमवी वायरस के अंदर, वहीं सर्कुलर शेप, इन टू एंड क्या कहते हैं, कनेक्शन होगा यहां पे न्यूक्लिक एसिड का, सर्कुलर होगा। कैसा मिल रहा है, कहां मिल रहा है आपको? हेपेटाइटिस बी वायरस में। बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर भी आपको लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। तो ये हो गई बात किसकी, न्यूक्लिक एसिड की, कि इसका शेप कैसा हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड होगा। यही इंफेक्शियस पार्ट है, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल और इंफेक्शियस पार्ट यही है न्यूक्लिक एसिड। अगला पॉइंट आता है कैप्सिड, ठीक है, जिसे कोट या प्रोटीन शीट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम लोग एक बैक्टीरियोफेज वायरस बनाए तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, आसान सा। हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे एक एक वायरस के स्ट्रक्चर को, खास करके बैक्टीरियोफेज और टीएमवी वायरस को। तो ये टेल फाइबर हो गया, टेल, और ये हेड रीजन। तो हेड रीजन जो है, और ये पूरा ये रीजन जो है, दिस वन इज द प्रोटीन, ये प्रोटीन कोट होता है ना। और इसी के अंदर यहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है, यहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो
जो प्रोटीन है या प्रोटीन कवरिंग जो पाई जा रही है ये क्या करती है, इस डीएनए को प्रोटेक्ट करती है। या अगर आरएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड हो डबल स्ट्रैंडेड, इससे लेना देना नहीं है, जो भी न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है उसको प्रोटेक्शन के लिए यहां पर क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है। ये एक हो सकती है या एक से ज्यादा कवरिंग हो सकती है, लेकिन होगी जरूर, है ना। तो कवरिंग ऑफ वायरस, दिस वन प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड जो इन्फेक्शियस पार्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ इट इज मेडअप ऑफ सब यूनिट्स, यानी कि कहने का मतलब प्रोटीन है तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड होंगे, है ना, जिनको हम लोग नाम देते हैं क्या, सब यूनिट्स। और इन सब यूनिट्स के लिए यहां स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, कैप्सोमर या कैप्सोमियर्स। क्या यूज होता है, कैप्सोमर या कैप्सोमियर्स। कैप्सोमर्स या कैप्सोमियर्स क्या बना रहे हैं, मिलकर कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रही है। क्या बना रहा है, कैप्सिड, ठीक है। तो ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना होता है, सारे सब यूनिट या जो कैप्सोमर्स हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा कैप्सिड बनाएंगे, जिसे हम लोग प्रोटीन का नाम देते हैं। आगे आते हैं एनवलप पे। तो फाउंड इन सम एनिमल और ह्यूमन वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, इसके बारे में तो बहुत बात हो रही है, जानते भी हैं हम लोग, स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, और HIV वायरस। तो बहुत से ऐसे वायरस हैं, यहां सम लिखा है लेकिन बहुत से हो सकता है हम लोग बहुत सारे नहीं जानते हो सकता आने वाले समय में बहुत सारे इवॉल्व हो जाएं। तो बहुत से ऐसे वायरस हैं जहां पे एक एक्सटर्नल कवरिंग आपको मिलेगी, मतलब कि एक तो ये प्रोटीन कोट पाया जा रहा है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, और ऊपर एक और कवरिंग मिलेगी। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एनवलप। क्या बोलते हैं, एनवलप। ऐसे वायरस जिसमें एक्सटर्नल एक और कवरिंग होती है, ऐसे वायरस को हम लोग बोलते हैं एनवलप्ड वायरस, और जिनमें नहीं होती विदाउट एनवलप उनको बोलते हैं नेक्ड वायरस। क्या बोलेंगे हम लोग, नेक्ड वायरस। तो जो भी एनिमल वायरसेस हैं वहां पे आपको नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हर जगह एनवलप मिले, कुछ एनिमल वायरसेस में या कुछ ह्यूमन वायरसेस में आपको एनवलप मिलेगा। तो अब ये एनवलप बना किससे होता है, एनवलप कंपोज्ड ऑफ लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो यहां पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जो होता है ये डिराइव होता है होस्ट से। कहां से, होस्ट से डिराइव होता है, मतलब जिस भी एनिमल या जिस भी ह्यूमन के अंदर ये इन्फेक्ट कर रहा है, और वहां पर जब ये पूरी तरह से तैयार होता है उस सेल के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वाले पार्ट को ये कहां से लेता है, कहां से डिराइव कर रहा है, उस होस्ट सेल से जिसे ये इन्फेक्ट कर रहा है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो ह्यूमन की सेल हो। जबकि प्रोटीन वाला पार्ट जो है ये कौन बना रहा है, वायरस, ये वायरस से डिराइव होता है, क्योंकि इस प्रोटीन को बनाने वाली जितनी भी कोडिंग है वो कहां प्रेजेंट है, इसी इन्फेक्शियस पार्ट में, जिसको हम लोग डीएनए या आरएनए के नाम से जान रहे हैं। अब जैसे यहां पर इस कैप्सिड की सब यूनिट थी कैप्सोमर, उसी तरह से यहां पर एनवलप की जो सब यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्लोमर्स या पेप्लोमियर्स। क्या बोलते हैं, पेप्लोमर्स या पेप्लोमियर्स, विच इज मेडअप ऑफ लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब ये होती कैसे, इट इज लूज मेम्ब्रेनस आउटर मोस्ट कवरिंग विच मे बी स्मूथ और रफ विथ स्पाइक्स। स्पाइक्स हेल्प इन अटैचमेंट विथ होस्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल जीपी स्पाइक्स इन HIV। तो यहां पर कोई भी आपको स्पाइक्स नहीं मिलेंगे, कांटे की तरह से स्ट्रक्चर, और हो सकता है कि यहां पर आपको स्पाइक्स मिले भी, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो अगर स्पाइक्स नहीं प्रेजेंट है तो ये स्मूथ होगा एनवलप, दिस एनवलप इज स्मूथ। और अगर क्या कहते हैं, यहां पर स्पाइक्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या होगा, रफ होगा, इस तरह से स्पाइक्स होंगे। ये स्पाइक्स होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में मदद करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीपी स्पाइक्स, ठीक है। जीपी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स। तो ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स अटैचमेंट में मदद करेंगे होस्ट सेल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट याद रखना है। जीपी में ही म्यूटेशन हो रहा है, जो नया कोविड स्ट्रेन आ रहा है ब्रिटेन में, जो अब तक रिपोर्ट हुआ है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं या लास्ट पार्ट पे आते हैं, एंजाइम्स। तो जो भी वायरसेस हैं उनमें कुछ सर्टेन एंजाइम्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो जरूरी है उनके रेप्लिकेशन के लिए, होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करेगा, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस में, बैक्टीरियोफेज वायरस में ये लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जब ये बैक्टीरिया सेल के साथ अटैच होता है तो लाइसोजाइम सिक्रीट होता है, और ये लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, ब्रेक कर देता है। सिमिलर लाइसोजाइम एंजाइम आपके टीयर्स में और आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, यानी ह्यूमन के,
ठीक है, जो बैक्टीरिया को या किसी और इंफेक्शन कॉज करने वाले पैथोजेन को, जो बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो आरएनए के पॉलीमराइजेशन में मदद करेगा। इंटीग्रेज एंजाइम, जो होस्ट जीनोम, जो होस्ट का न्यूक्लिक एसिड है उसके साथ अटैचमेंट में मदद करेगा। किसे? इस वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, कि न्यूक्लिक एसिड जो वायरस का, अगर इसको अटैच्ड होना है, जुड़ जाना है होस्ट सेल के डीएनए के साथ, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए इंटीग्रेज। वहीं कुछ आरएनए वायरसेस के अंदर आपको मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो मदद करता है आरएनए से डीएनए के फॉर्मेशन में, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, जिसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल डोगमा मॉलिकुलर बायोलॉजी का है वो रिवर्स है, कि आरएनए मेक्स डीएनए और डीएनए मेक्स देन आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये इतने पार्ट हो गए एक वायरस के कि क्या क्या होगा। ये दोनों चीजें तो 100% प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और एनवलप और एंजाइम सारे ही वायरसेस में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत से वायरसेस में पाया जाएगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द वायरसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और कवर करेंगे वायरस का, उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस किस तरह से होता है। तो तब तक मिलते हैं, आप लोगों का शुक्रिया।